यातायात पुलिस ने चलाया अभियान, सरियों से भरी पिकअप को की सीज बाड़मेर। शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव के निर्देश पर यातायात प्रभारी डिंपल कंवर ने कार्रवाई करते हुए कलेक्टेड रोड स्थित सेवा सदन के आगे सरियों से भरी पिकअप जो ओवरलोड वाहन थी उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पिकअप को सीज किया और पिकअप के बाहर जो भरे सरिये थे, बाहर निकले हुए पड़े सरिये, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन्होंने भारी चालान भी किया है। यातायात प्रभारी डिंपल कंवर ने बताया कि लगातार ओवरलोड वाहनों के चालान की प्रक्रिया जारी है। पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव के निर्देश पर ये कार्रवाई चल रही है। ये सेवा सदन के आगे यातायात प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए इस वाहन को सीज किया है। ये दृश्य देख रहे हो, देख लो गाड़ी का जो डाला है उस डाले से कितने सरिये बाहर निकले हुए हैं। इस कारण इस वाहन को यातायात प्रभारी ने सीज कर दिया है। ये सेवा सदन के आगे से लिया गया ये दृश्य है। एक बार शेयर कर लो साथियों इस पोस्ट को, ताकि बाकी वाले ड्राइवरों को भी सीख मिले और अंदर नहीं भरे ऐसे सरिये। धन्यवाद, जय हिंद। मैडम आज ये गाड़ी रुकवाइए, सरिये डाले हुए, क्या मामला है? इसके पीछे नंबर प्लेट नहीं है, डॉक्यूमेंट हमने मांगे हैं तो इन्होंने अवेलेबल नहीं करवाया, तो हम डॉक्यूमेंट का काम गाड़ी को सीज कर रहे हैं और इसके पीछे नंबर प्लेट नहीं है और सरिया भी लगा हुआ है जो कि रिस्की है। तो ये मैडम इनके क्या क्या कार्रवाई हो सकती है ऐसे? अभी इस गाड़ी को हम सीज कर रहे हैं क्योंकि इसके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। मैडम ये कार्रवाई लगातार जारी है? हाँ, कार्रवाई कंटिन्यू जारी है। चाहे ओवरलोडेड वाहन हो, डाले में सवारी है या रॉन्ग साइड जाना है, मोबाइल पर बात करते हुए कार्रवाई की जा रही है। रूल्स को फॉलो करना हर किसी का कर्तव्य है, अगर रूल्स फॉलो करते तो सभी के लिए सेम के लिए। तो ये मतलब घटना हो सकती है मैडम इससे? जो यातायात नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके तो खुद के लिए भी नुकसान है और दूसरों के लिए भी खतरा ही रहता है। यातायात रूल्स का फॉलो करना चाहिए। प्लस ऐसा जैसे ओवरलोडेड सवारी है, इसको ले जा रहे हैं, तो पब्लिक को भी जागरूक रहना चाहिए कि ऐसे लोगों को समझाए या फिर वहाँ ऐसी कोई जगह देखे कि यहाँ पर ये ओवरलोडेड सवारियाँ हो रही है, तो वो पुलिस को भी इन्फॉर्म करके हेल्प करें। मतलब पब्लिक और पुलिस मिल के अगर वो कार्रवाई करेगी ना तो सही रहेगा और यातायात नियमों की पालना भी हो सके। अकेले पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती।